कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। सच्ची श्री सच्ची लक्ष्मी तत्व ज्ञान है। ज्ञान लक्ष्मी ही वास्तव में लक्ष्मी है और उस ज्ञान रूपी लक्ष्मी वाला और उस ज्ञान रूपी लक्ष्मी को देने वाला अगर कोई है तो वो ये जिन शासन है जिसका अमोघ चिन्ह स्यादवाद है। अमोघ का अर्थ यही है कि वो सर्वत्र लागू पड़ता है। यदि वो कहीं भी एक जगह भी लागू न पड़े तो अमोघ नहीं कहा जा सकता। अमोघ बाण किसको कहते हैं? अमोघ बाण का मतलब है जो एक भी खाली ना जाए। अमोघ बात का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े मुनिराजों को वचन सिद्धि प्रकट होती है तो क्या होता है उसमें कि उनका एक भी वचन खाली नहीं जाता, अचूक। हाँ दीपाली जी सही शब्द चुना, अचूक माने वो चूकता नहीं है। तो ये एक बात सबको ध्यान देने योग्य है कि स्यादवाद का अचूक चिन्ह जिसमें हो वही जिन शासन है, अन्यथा वो जिन शासन नहीं है। फले ही फले, श्रीमत का अर्थ है फले ही फले। श्रीमत में से निकलेगा वो ज्ञानदायक है, ज्ञान रूपी लक्ष्मी उसमें से प्राप्त होती है। जैसे रीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार है, ऐसे ही स्यादवाद श्री स्वरूप शिव का श्रीकार है। स्यादवाद स्वयं श्री स्वरूप है और वो श्री को देने वाला है। स्यादवाद से ही ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। व्याप्ति है बहुत गहरी, न्याय है, तर्क है, युक्ति है, ये ठोस है और बहुत गहरी बात है ये। अकलंक जैसे आचार्य की पंक्ति है ये, श्रीमत परम गंभीर स्यादवादामोघ लांछनम जीया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। ये जिन शासन जिसका अमोघ चिन्ह स्यादवाद है, जिसे सभी त्रिलोकी नाथों ने कहा है, सभी तीर्थंकरों ने कहा है, वो श्रीमत है, परम गंभीर है। मेरा मन ऐसे ही हुआ कि मैं इसकी ओर आपका विशेष ध्यान आकर्षित करूं। स्यादवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर सिद्धांत है। हम लगभग 100 दिनों से चर्चा करते चले आ रहे हैं, लगभग 100 घंटे हो गए हमको स्यादवाद पर चर्चा करते हुए, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये बहुत गंभीर है और हम लोग अभी भी इसको पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। अभी भी इस पर थोड़ी और ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, मैं एक और बात आपसे सबसे बहुत अच्छे मन से कहना चाहता हूं
स्यादवाद का खंडन कोई दूसरे तो क्या करेंगे, हमारे ही साथियों को अभी स्यादवाद अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम जैन लोग, जैन विद्वान तक भी कई दफे ऐसी स्थितियां बनती है कि हमको ये है ना फालतू नजर आता है। वो और लोग तो इसको फालतू का कहते ही हैं। बहुत से लोग स्यादवाद पर आपत्ति करते हैं कि ये संशय है, ये फालतू है, ये बड़ा ही हास्यास्पद है, ये कोरा बुद्धि का व्यायाम है। ऐसी ऐसी बातें बहुत लोग दूसरे तो करते ही हैं, लेकिन हमारे लोग भी कई दफे ऐसा ही समझते हैं, जबकि ये अमृत है और ये जिन शासन का प्राण है। स्यादवाद वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा लिखा है आचार्यों ने। स्यादवाद से हटे नहीं कि बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। स्यादवाद के बिना सत्य तत्व का ज्ञान हो नहीं सकता। कुछ भी हो जाए दुनिया में, मुहावरों की भाषा में, सूर्य पूर्व का पश्चिम में निकल जाए, पर स्यादवाद के बिना पूर्ण सत्य का प्रकाशन जीवन में हो ही नहीं सकता। ये कोरा बौद्धिक व्यायाम नहीं है, ये अनंत विवक्षाओं का सम्मान है। ये स्यादवाद अनंत विवक्षाओं का सम्मान है, वस्तु का स्वरूप है। ये काल्पनिक बातें नहीं है, तुकबंदी नहीं है, जबरदस्ती की खींचातानी नहीं है। नाम निक्षेप क्या बेकार चीज है? स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, नैगम ने, भूत नैगम ने, ये क्या बेकार चीजें हैं? माने हमको ऐसे क्यों लगता है कि ये क्या हो रहा है? अगर हम अभव्य को सम्यक दर्शन सिद्ध कर रहे हैं तो विवक्षा स्पष्ट कर रहे हैं ना, क्या उस विवक्षा की रक्षा नहीं होनी चाहिए? अनंत नयों की रक्षा नहीं होनी चाहिए? नयवाद खतरे में है। जिनेंद्र देव की वाणी, जिन वाणी स्यादवाद मय है, और इसमें इस पर ये बहुत परम गंभीर है। इसलिए ये बात जब तक हमको ये नहीं समझ में आएगी कि स्यादवाद केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं है, ये पूरा न्याय शास्त्र कोरा बौद्धिक व्यायाम नहीं है। आज दिनेश जी ने बहुत अच्छी चार पंक्तियां लिखी है कि वो आत्मानुभूति तत्व ज्ञान के बिना नहीं होती, ऐसे चार इष्ट है, ये इसके पूर्वक होती है, ये इसके पूर्वक होती है, वो बहुत बढ़िया बात लिखी है। ऐसे ही न्याय पूर्वक तत्व ज्ञान होता है, न्याय पूर्वक तत्व निर्णय होता है, और न्याय स्यादवाद के बिना एक कदम नहीं चलता है। स्यादवाद नहीं तो न्याय नहीं, न्याय नहीं तो तत्व का ज्ञान नहीं, तत्व का ज्ञान नहीं तो तत्व का निर्णय नहीं, तत्व का निर्णय नहीं तो आत्मानुभूति नहीं, आत्मानुभूति नहीं तो केवल ज्ञान लक्ष्मी नहीं, मुक्ति लक्ष्मी नहीं। तो श्रीमत बनाना हो तो ये विषय थोड़ा शांति से, सावधानी से, बिना घबराए। हमारे आचार्यों के पास फालतू समय नहीं था, उन्होंने ये विषय ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं लिखा है, कोरा टाइम पास करने के लिए नहीं लिखा है, घुमा फिरा के समझाने के लिए नहीं लिखा है, बल्कि तत्व ज्ञान सही हो जाए ऐसी परम करुणा के साथ लिखा है। किसी संप्रदाय का पोषण करना नहीं है,
तत्व की वस्तु स्थिति, वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है, बात जटिल है, कहने में आती नहीं है। कोई भी बात, कोई भी विषय, कोई भी वस्तु, वो बहुत जटिल है, वो कहने में आता नहीं है, और उसे कहने की अद्भुत सफलता प्राप्त की है स्यादवाद के द्वारा। असंभव को संभव बनाया है स्यादवाद ने, इसलिए हमें स्यादवाद का महत्व, प्रयोजन, ये सब शांति से, ठंडे दिमाग से, सारा तत्व ज्ञान मिथ्या साबित हो जाए अगर उसमें से स्यादवाद निकाल दिया जाए। स्यादवाद से ही संस्कृत होता है, वो तभी प्रमाण है। हाँ दिनेश जी, स्यादवाद कला भी है, विज्ञान भी है। स्यादवाद नए से संस्कृत हो तो ही प्रमाण है, नहीं तो अप्रमाण है। ऐसी एक बहुत ऊंची बात चल रही है और मैं बहुत माथा मार रहा हूं कि ये कहीं ऐसे ही तो नहीं है। और आप सब भी खूब सोच रहे हो, कितना अच्छा अच्छा सोच रहे हो, खूब लिख लिख करके भेज रहे हो, रात और दिन आप सब भी डूबे हुए हो। इतनी बढ़िया चर्चा कोई कैसे हो रही है मैं भी नहीं जानता। ये कोई दुर्लभ योग है जो बना हुआ है, और बना हुआ है, चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या बताऊं क्या हो रहा है ये, लेकिन हो रहा है बस। तो इसलिए इस स्यादवाद को शांति से हमें समझना है। हमें ये भी समझना है कि ये कैसे तत्व का उद्घाटन कराता है, करता है, सत्य का उद्घाटन करना ही इसका प्रयोजन है और कुछ नहीं। अरे जिस जीवन का एक एक क्षण कीमती हो, ऐसे बड़े बड़े आचार्यों का वे समय भर पूरा करने के लिए स्यादवाद नहीं घुमा रहे हैं, और खाली अन्य दर्शनों का खंडन करना ये भी जैन न्याय का उद्देश्य नहीं है। तत्वाधिगम ही जैन न्याय का उद्देश्य है, अन्य का खंडन करना उद्देश्य नहीं है। कल ये भी श्लोक सुनाऊंगा ढूंढ करके आपको, लिखा है न्याय विनिश्चय में अकलंकाचार्य ने कि हम इतना इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये कोरा बौद्धिक व्यायाम नहीं है, और हमको दूसरों के खंडन की इतनी चिंता नहीं है, हमें तत्व के अधिगम की अभिलाषा है। उस पवित्र अभिलाषा से हम इस विद्या में प्रवृत्त हुए हैं। जो लोग, उन्होंने ऐसा लिखा है कि जो लोग न्याय को केवल अन्य दर्शन का खंडन करने के लिए समझते हैं, वे तो न्याय शास्त्र को मलिन करते हैं। मलिन सब न्यायो यम मलिनीकृत, ऐसे लिखा है, न्याय मलिन कर दिया। तो इसलिए इस विषय को सावधानी से, बहुत भाग्य है जिनको ये विषय सुनने मिल रहा है। समंत भद्र की वाणी, भगवान महावीर की वाणी समझो साक्षात, और ये पूरा का पूरा समझ लो सार है। ये इतना ही जिन शासन है, जिन शासन इतना ही है। स्यादवाद अमोघ लांछनम, ये इसी पर मेहनत करनी है, इसी से तत्व का उद्घाटन होगा। वस्तु में परस्पर विरुद्ध धर्म बसे ही हुए हैं, सर्वत्र बसे हुए हैं, अचूक बच्चे बसे हुए हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहां एक पक्ष हो। तो इस तरह से ये चर्चा आप सब थोड़ा और ध्यान देना, अपन सब ध्यान दे, ये मेरे मन हुआ, इसलिए फिर से थोड़ा सा कहा है। अब देखो, हमारी जो कल चर्चा चल रही थी, ये जो कारिकाएं आई, तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युगपत सर्वभाषणम क्रम भावी च यज्ञानम स्यादवादन नय संस्कृतम, ये जो कारिका हमने पढ़ी, तो इस कारिका में टीका करते समय सहज ही एक शंका बौद्धों की तरफ से उठाई गई।
एकांतवादियों की तरफ से उठा दी गई। मूल टीका, मूल कारिका में वो विषय नहीं था, लेकिन टीका जब होती है तो टीका तो टीका है। तो एक प्रश्न उठा दिया गया कि आप कह रहे हो कि तत्व ज्ञान ही प्रमाण है, इंद्रियां प्रमाण नहीं है, सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, पदार्थ प्रमाण नहीं है, आलोक प्रमाण नहीं है, ग्रंथ और गुरु प्रमाण नहीं है। आप कह रहे हो तत्व ज्ञान ही प्रमाण है, वो तो अन्य सन्निकर्ष आदि का व्यवच्छेद करने के लिए ही लगा रहे थे कि तत्व ज्ञान ही, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, अन्य कोई इंद्रिय वृत्ति सन्निकर्ष आदि नहीं है, ये वो कह रहे थे। लेकिन शंकाकार ने प्रश्न उठाया कि आप ऐसा कहोगे कि तत्व ज्ञान ही, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, तो ये तो एकांत हो गया। अभी तक तो आप स्यादवाद स्यादवाद की गीत गा रहे थे, अभी तक तो आप अनेकांतवाद लगाते थे हर विषय पर, अब आपकी बारी आई। अब तक तो आप अन्य मतों की बातें करते थे, अब आप अपना जैन मत प्रस्तुत करने लगे, तो आप भी एकांत के रास्ते पर चले गए। तत्व ज्ञान ही प्रमाण है, तो क्या ये एकांत नहीं हो गया? ये उसने प्रश्न उठाया। और जब ये प्रश्न उठाया तो उसका उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, यहां भी स्यादवाद है। कितने उससे कहा होगा, बोले यहां भी वो स्यादवाद लगेगा। और कैसे वो स्यादवाद लगेगा? तो उन्होंने कहा कि सुनो, सभी ज्ञान प्रमाण भी हैं अप्रमाण। ये पंक्ति आप सुन लेना जरा ध्यान से, मैं दो दफे बोलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है और अभी इसी का 15 मिनट विस्तार होगा। कोई भी ज्ञान हो, चाहे वो मिथ्या ज्ञान हो चाहे वो सम्यक ज्ञान हो, सभी प्रमाण भी हैं और अप्रमाण भी हैं। कथंचित प्रमाण है और कथंचित अप्रमाण है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो सर्वथा प्रमाण हो, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो सर्वथा अप्रमाण हो। फिर से सुनना, ये लाइन खास है। प्रत्येक ज्ञान, चाहे वो सम्यक हो या मिथ्या, कथंचित प्रमाण है और कथंचित अप्रमाण है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो सर्वथा प्रमाण हो या सर्वथा अप्रमाण हो। अब ये बात तो न अपने भी किसी के गले उतर नहीं रही है, सब लोग परेशान हैं कल से, और बहुत लिख रहे हैं क्या क्या, और कई अपेक्षाएं जो अपने सब एक्सपर्ट तो हो गए, और विवक्षाएं तो अनंत है, नाम स्थापना द्रव कितनी कितनी है सब लगा। इसे सिद्ध करना चुटकियों का काम है, स्यादवाद लगाना कैसे भी, अस्ति नास्ति तो सिद्ध करनी है तो वो दवन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ खास कहना चाहते हैं। यहाँ इतनी सी बात नहीं है कि वो नाम की अपेक्षा ऐसा है, स्थापना की अपेक्षा ऐसा है, भाव की अपेक्षा ऐसा है, ऐसे नहीं, बल्कि वो बिल्कुल उस तत्काल उस पर्याय में प्रमाणता का अंत है और तत्काल अप्रमाणता का अंश है। एक ही ज्ञान की पर्याय में प्रमाणता अप्रमाणता दोनों के अंश पाए जा रहे हैं, ये बात हमको दिखाना चाह रहे, वो हमें देखनी है। वैसे तो आप सब घटित कर दोगे, लेकिन ये घटित करना है कि एक ही प्रमाण में, एक ही ज्ञान पर्याय में प्रमाणता का अंश भी है और अप्रमाणता का अंश भी है, ये एक बात हम सब, और वो भी सभी ज्ञानों में। वो कैसे है इस पर हमको आपको सबको समझना है। बड़ा ही आनंददायक प्रकरण है, थोड़ा सा मन लगा के देखेंगे तो उछल जाएंगे समझ में आने के बाद में, तो कि ये इतनी गहरी बात छुपी हुई थी इसमें।
हर ज्ञान प्रमाण है और हर ज्ञान अप्रमाण है। और क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, वो सब आप ही निकालेंगे। मैं आपके सामने थोड़ा सा हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहता हूं टीका में से, जहां ये बात आई है। ये बात जहां आई है वहां कैसे आई है, क्या आई है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं। उसको जरा आप ध्यान से सुनना। इसमें अभी लगा रहे थे स्क्रीन पर, वो लगाना भैया, थोड़ा नीचे और नीचे और जरा सा पैराग्राफ से और जरा सा, ये आपकी स्क्रीन पर सबसे नीचे वाला पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूं। आप देखो और ध्यान से सुनो, और बाद में भी पढ़ना, दो दफे तीन दफे पढ़ोगे तब जाके कुछ निकलेगा। मैं नहीं निकालूंगा, आपको निकालना है, ये सुन लेना सब लोग। सब न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं और सब किसी को वैसाखी नहीं लेनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, खुद को निकालना है। देखो, तत्व ज्ञान सर्वथा प्रमाण रूप ही हो ऐसी बात नहीं है। तत्व ज्ञान को प्रमाण मानने में भी अनेकांत है, अर्थात तत्व ज्ञान कथनचित प्रमाण है, सर्वथा नहीं। गजब की बात है, बहुत क्रांतिकारी बात है। आप पूछ आओ, लाख आदमी में से एक नहीं बताएगा आपको ये। और सुनो, एक वस्तु में, अब ये क्या कह दिया, इसमें और गहरी बात है, जिसके समझ में आ जाए वो बताना मुझे बाद में। एक वस्तु में अनेक आकार रहते हैं, उन आकारों में से जिस आकार से तत्व का ज्ञान होता है उसकी अपेक्षा से वह ज्ञान प्रमाण है, और शेष आकारों की अपेक्षा से वह प्रमाण नहीं है। ये दो पैरा, दो वाक्य बहुत काम के, मैं बाद में आऊंगा, आखिर में, बल्कि आज नहीं आऊंगा, कल आऊंगा। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षाभास में भी मिश्रित प्रामाण्य और अप्रामाण्य रहता है, मिश्रित रहता है। एक सर्वथा प्रमाण और दूसरा सर्वथा अप्रमाण ऐसा नहीं है। एक ज्ञान प्रमाण, एक ज्ञान अप्रमाण ऐसा नहीं है। हर ज्ञान कथनचित प्रमाण है और कथनचित अप्रमाण है। कैसे? प्रत्यक्ष में भी कथनचित अप्रमाणता है और प्रत्यक्षाभास में भी कथनचित प्रमाणता है। कैसे? चक्षु इंद्री के, अब उदाहरण देके समझा रहे हैं, चक्षु इंद्री के द्वारा चंद्र सूर्य आदि का यथार्थ प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्ष के द्वारा यह भी प्रतीत होता है कि चंद्र सूर्य आदि हमारे निकट हैं। यहाँ चंद्र सूर्य आदि का प्रत्यक्ष तो सत्य है, किंतु उनमें जो निकटता की प्रतीति होती है वो मिथ्या है, क्योंकि चंद्र सूर्य आदि प्रत्यक्ष दर्शी से बहुत दूर है। इसलिए चंद्र सूर्य आदि के प्रत्यक्ष में, चंद्र सूर्य आदि के प्रत्यक्ष में कुछ अंश अप्रमाणता का भी है। इसी प्रकार तिमिर आदि रोग वाले व्यक्ति को एक चंद्र में जो दो चंद्र का ज्ञान होता है वो प्रत्यक्षाभास माना जाता है, अप्रमाण माना जाता है। किंतु यहां भी द्वित्व संख्या का ज्ञान ही अप्रमाण है, चंद्र का जो ज्ञान होता है वह तो प्रमाण ही है। उस ज्ञान का अपराध केवल इतना ही है कि उसने एक चंद्र के स्थान में दो चंद्रमाओं को जान लिया। इसलिए प्रत्यक्षाभास में भी कुछ अंश प्रमाणता का रहता है, गलत ज्ञान में भी प्रमाणता है और सही ज्ञान में भी अप्रमाणता है। सही ज्ञान में अप्रमाणता कैसे घटित की समझ में आया कि वो जो जैसे अपन ने चंद्रमा देखा आकाश में और जिसको सम्यक ज्ञान हुआ, वो भी एक चंद्रमा देखा है, चंद्रमा ही देखा है,
लेकिन उसके साथ में उसने ऐसा भी देखा है कि वो धरती को छू रहा है, उसकी जो जितनी दूरी है वो नहीं देखी है उसने। दूरी के मामले में हमने ट्रेन में से पेड़ देखे, तो पेड़ देखे ये तो सही देखा, लेकिन भागते हुए पेड़ देखे वो भागते हुए नहीं थे, ये भागता हुआ देखा ये गलत देखा। हमने नीचे से हवाई जहाज देखा तो हवाई जहाज था और हवाई जहाज देखा ये तो हुई उस ज्ञान में प्रमाण था, और वो हवाई जहाज छोटा सा दिखा चिड़िया जितना, ये हुई उसी ज्ञान में अप्रमाण था, सम्यक ज्ञान में अप्रमाणता बता रहा हूं आपको। मिथ्या ज्ञान कथनचित प्रमाण है, ये तो हम पहले घिस चुके, लेकिन आज मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि कोई भी चीज जैसी होती है वैसी दिखती नहीं है हमको। जो कलर जैसा होता है वैसा नहीं दिखता है, जो चीज जितनी दूर होती है उतनी दूर नहीं दिखती है, जो चीज जितनी छोटी या बड़ी होती है उतनी छोटी बड़ी नहीं दिखती है। चश्मा लगाओ तो कुछ और दिखती है, कुछ और करो तो कुछ और दिखती है, ये क्या है? तो उसी सम्यक ज्ञान में अप्रमाणता का अंश रहता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी आगे और जरा सी पंक्ति पढ़ने लायक है, बहुत जोरदार बात है ये। यहाँ एक शंका हो सकती है कि जब सब ज्ञान उभयात्मक हैं तो किसी को प्रमाण और किसी को अप्रमाण क्यों कहा जाता है? इसका अब समझ में आया, अब शंका समझ में आई आपको कि साहब आप कह रहे हो सभी ज्ञान प्रमाण भी है अप्रमाण भी है, तो ये तो सारी व्यवस्था खराब हो गई, ये तो गड़बड़ा गया पूरा न्याय शास्त्र की तो नींव हिल गई सारे ज्ञान। फिर तो आप कैसे कहते हो कि कौन ज्ञान प्रमाण है और कौन ज्ञान अप्रमाण है, फिर तो कह ही नहीं सकते। तो सुनो क्या उत्तर दिया, मैंने सोचा यहाँ ढीले पड़ जाएंगे आचार्य कुछ, लेकिन ये तो ढीले नहीं पड़ रहे, ये क्या कह रहे हैं? इसका उत्तर यह है कि संवाद और विसंवाद के प्रकर्ष की अपेक्षा से ज्ञान में प्रमाण और अप्रमाण व्यवहार होता है। जिस ज्ञान में संवाद के अंश अधिक होते हैं और विसंवाद के अंश कम होते हैं उसको प्रमाण कहते हैं, और जिस ज्ञान में विसंवाद के अंश अधिक होते हैं और संवाद के अंश कम होते हैं उसको अप्रमाण कहते हैं। जैसे कस्तूरी में गंध गुण की अधिकता होने से उसको गंध द्रव्य कहते हैं, उसमें है तो स्पर्श भी रस भी गंध भी, लेकिन गंध की विशेषता होने से अधिकता होने से उसका नाम गंध द्रव्य है। इसी प्रकार अनुमान आगम आदि प्रमाणों और प्रमाणाभासों को भी कथनचित प्रमाण और कथनचित अप्रमाण समझना चाहिए, जितने अंश में वे तत्व की प्रतिपत्ति करते हैं उतने अंश में प्रमाण है और शेष अंश में अप्रमाण है। इस प्रकार अनेकांत शासन में सत्व नित्यत्वादि धर्मों की तरह प्रमाण और अप्रमाण के विषय में भी अनेकांत है। ये क्या गजब की चर्चा आई है, जो गलत ज्ञान होता है उसमें भी सत्य का अंश होता है और जो सही ज्ञान होता है उसमें भी असत्य का अंश होता है। आप जैसी वस्तु है वह देखो, ये मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है, सम्यक दृष्टि की। आत्मा को जाना, तो आत्मा को जाना ये प्रमाण, लेकिन आत्मा के प्रदेशों को नहीं जान पाया वो, बहुत सारी चीजें अभी बच गई। और कई चीजें तो जैसे ये उदाहरण दिए ना कि हमने ट्रेन में से पेड़ देखे, तो पेड़ देखे ये पेड़ थे, पेड़ देखे ये हुआ उसका प्रमाणत्व, लेकिन उनको दौड़ते हुए देखा ये हुआ उसका अप्रमाणत्व। हमने हवाई जहाज आसमान में देखा, हवाई जहाज ही था ये हुआ प्रमाणत्व,
और वो हवाई जहाज जितना छोटा हमने देखा उतना छोटा वो नहीं था, वो जितना बड़ा है उतना बड़ा हमने नहीं देखा, इसलिए ये हुआ अप्रमाणत्व। हम जो भी जानते हैं वो वैसा नहीं जानते जैसा जानते हैं। अब आप समझे प्रमाण और अप्रमाण किस अपेक्षा घटाया जा रहा है यहाँ। वैसे वो बात, वो अपेक्षाएं छोड़ दो आप, नाम निक्षेप से, नैगम से, स्थापना से, द्रव्य से, वो नहीं, यहाँ तो प्रमाण की अपेक्षा से पर्याय में दो अंश छुपे हुए हैं। ये एक बहुत, और उत्तर क्या दिया कि वो जिसमें जिसमें सच्चाई ज्यादा होती है उसको तो हम सम्यक ज्ञान कह देते हैं, और जिसमें गलती ज्यादा होती है उसको हम मिथ्या ज्ञान कह दे। मिथ्या ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है और सम्यक ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है, ये क्या खेल हुआ। तो अब आप देखो प्रज्ञा, ये क्या हो रहा है भैया। आप बताइए, किसी को कुछ समझ में आया हो तो। अभी तो चाचा आपने ऐसे बस पढ़ दिया, अभी आप हिंदी में समझाओ कि चल क्या रहा है। हाँ ठीक है, बताते हैं। देखो किसी को, आप में से किसी को क्या समझ। हाँ दिनेश जी से सुनो, मैं बताऊंगा, कोई चिंता मत करो। जिस जिसको जो जो समझ में आया वो अपने विचार रख, घबराने जयेंद्र, की जरूरत नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। बहुत ठंडा प्रसन्न चित्त से आनंदित होते हुए ये विषय पढ़ना है। अच्छा ये उदाहरण इंद्रिय प्रत्यक्ष का दे रहे हैं या बाकी इंद्रिय प्रत्यक्ष की कर रहे हैं? सबकी करेंगे, ये कोई नहीं छोड़ेंगे, अच्छा सब ये दृष्टांत इंद्रिय प्रत्यक्ष का है, लेकिन ये सबको लेंगे। जब सब कह दिया ना इन्होंने, अमोघ लांछन क्या होता है, देखो आज मेरा इस पर ध्यान बहुत गया। अमोघ ऐसे नहीं चलेगा कि कहीं 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 कहीं, ऐसे नहीं, कुछ कमजोर वमजोर नहीं चलेगा। हाँ दिनेश जी। हाँ हाँ जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब। जी अभी आपने बताया तो मैं अभी दिमाग में यही आया कि जैसे नींबू है, हाँ नींबू में गुण तो अनेक है, हाँ लेकिन क्योंकि खटास की अपेक्षा उसका प्रयोग किया जाता है मूल रूप से, तो बराबर, जैसे उसमें बच्चे होते हैं वो उसको गेंद की तरह भी खेलते हैं, तो हाँ वहां पर तो खटास की कोई बात ही नहीं है। तो हाँ वो अपेक्षा, जैसे आपने आकार की बात करी थी ना, तो उससे ख्याल में आया था ये हाँ वस्तु के अनेक आकार है, मतलब उसमें डायमेंशन ही अलग है, आयाम ही अलग है। आकार से हाँ मतलब आयाम, डायमेंशन, बराबर, कि उसको मतलब जैसे बॉल की तरह ले रहे हैं, नींबू को भी खेल रहे हैं पकड़ के एक दूसरे से, हम भी बचपन में खेलते थे इस तरह की चीजों से, तो वहां पर वो बॉल ही है जब वो खेल रहे हैं उससे, वो बॉल ही है, सेब से उछाल रहे हैं, संतरा उछाल रहे हैं, तो हम तो खेलने का आनंद ले रहे हैं उससे, जो हाँ शिकंजी पी रहा है उसको खटास का गुण काम आ रहा है उसके, ये अलग डायमेंशन से देखते हैं तो काम सही समझ में आती है बात। हाँ देखो ना, तो इसी तरह एक तरह ये जैसे प्रकर्ष की बात आई, तो हाँ ये तरतमता वाली बात आ गई एक तरह से, कि जो हाँ विषय जिसमें ज्यादा है मतलब क्वांटिटी या कुछ, तो उसको हमने मान लिया प्रमाण, और जिसमें हाँ उसके अंश कम है प्रामाणिकता हाँ के, तो हाँ वो उसको अप्रमाण माना। तो यहाँ पर जो सोपम ज्ञान में तो ये बात आएगी कि तरतमता या प्रकर्ष वाली बात समझ में आ रही है, हाँ जो हाँ सम्यक ज्ञान, लेकिन केवल ज्ञान के पहले पहले तक, बाकी में तो दोष थोड़ा सा है क्योंकि आपने बता दिया दोबारा। अब मैं केवल ज्ञान में भी लगाऊंगा, मैं वो कह रहा हूँ कि इनमें तो आसानी से आ रही है कि यहाँ भी इसकी घबरा अन रहे हैं सब लोग, देखो ये क्या हो रहा है। केवल ज्ञान को भी कथंचित अप्रमाण सिद्ध करेंगे। नहीं क्योंकि आप उसकी अलग ही डायमेंशन हो गए अब। देखो नहीं, अच्छा आप इसमें विचार करो, देखो हमने ट्रेन में से पेड़ देखे, तो पेड़ ही दे, पेड़ थे, पेड़ देखे, कोई गलत है हमारा ज्ञान? हमारा ज्ञान यदि गलत होता तो पेड़ की सिद्धि कैसे होती? वृक्ष की सिद्धि कौन कर रहा है? हमारा ज्ञान कर रहा है, इसलिए वो सम्यक प्रमाणिक ज्ञान है। वो बिल्कुल वृक्षत्व अंश में अविसंवादक है, वो बिल्कुल निश्चयात्मक ज्ञान है, स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, वो लक्षण उसमें घटित हो रहा है। लेकिन पेड़ों को हमने दौड़ते हुए भी देखा, वो बच्चे कहते हैं ना, बच्चे देखते हैं, हम छोटे थे तो ट्रेन में कहते थे कि वो पेड़ भाग रहे, तो पेड़ भाग रहे हैं क्या? पेड़
पेड़ नहीं बा। और नहीं जब चित्त परिपक्व हो जाता है तो हम उसमें जब उसको छान के पी लेते हैं, पानी पानी में कचरा है, जो छान के पिएगा वो सुखी हो जाएगा। ऐसे ही ज्ञान में भी कचरा होता है, जो छान के पिएगा वो काम कर लेगा। इसमें मैंने जब केवल ज्ञान का विचार किया था, आपको थोड़ा सा लिखा भी था, तो वो अपेक्षाएं तो सब है ही है। आचार्य माणिक नंदी के जो स्व पूर्वार्थ व्यवसायत्मक ज्ञानम है, उसमें तो यह ना कि केवल ज्ञान में जो प्रयोजनभूत तत्व थे तो केवल ज्ञान से पहले निर्णय हो गया उनका। तो नहीं नहीं, वो तो आपने भी और कई ने और ने भी कई कई अपेक्षाओं से घटाया है, और वे करीब करीब सब बहुत सारी अपेक्षा। अब जैसे आपने ही शायद ये भी तो लिखा है, केवल ज्ञान प्रमेय भी है। प्रमेय भी भाई, केवल ज्ञान ज्ञान ही थोड़े ही है, वो ज्ञेय भी है ना। हाँ जी, तो वो ज्ञेय प्रमेयत्व की अपेक्षा से वो प्रमेय है, प्रमाण नहीं है। तो ऐसी ऐसी तो बहुत अपेक्षाएं हैं, लेकिन मैं आज आप सबसे ये कहना चाह रहा हूं कि आज दूसरी बात कह रहे हैं। यहां तो ये कह रहे कि नहीं, उसकी पर्याय में प्रमाणता और अप्रमाणता के ही दो अंश मौजूद है। अलग बात, अलग विषय है, ये बिल्कुल अलग विषय है, और ये तत्व का स्वरूप समझाने के लिए है। अब बताओ ये खींचातानी है या स्वरूप है? ये दूसरा पहलू है, उसका दूसरा पहलू बताया जाता है। नहीं, आपने अगर अगर मेरा प्रत्यक्ष सर्व था सच्चा होता तो मैं पेड़ों को भागता हुआ क्यों नहीं मान रहा? क्यों नहीं? मैं हवाई जहाज को छोटा क्यों नहीं मान रहा? हवाई जहाज छोटा दिख रहा है, आप जितना बड़ा है उतना बड़ा दिख रहा है, तो जितना बड़ा है उतना तो नहीं दिख रहा, फिर उतना बड़ा क्यों माने? छोटा दिख रहा है, छोटा माने। बिल्कुल। तो उस ज्ञान में जो उसकी, इसमें अष्ट सहस्री का शब्द है देश प्रत्यासत्ति, उसकी देश प्रत्यासत्ति गलत। मैं अब देखो, शाम को वो सूरज ढलने वाला है, वो ऐसा लग रहा है धरती पर उतर रहा है, टच होने वाला है, मुझे धरती से टच होता हुआ दिखाई दे रहा है वो। ऐसा नहीं, टच हो रहा है वो दिखता है, टच होगा मगर टच हो रहा है, उतनी अप्रमाणता है। कितनी कितनी गजब की बात है। तो इतनी, वो सूरज दिख रहा है ये सत्यांश है, और वो धरती से टच होता दिख रहा है ये अप्रमाणता है, अप्रमाणकांश। बिल्कुल। अब आप केवल ज्ञान का बताइए। बताएंगे और देखो अभी रुक। अच्छा, यहाँ पे ना जो आकार शब्द आया ना इस टीका में, उसका कुछ दिनेश जी ने बहुत अच्छा अर्थ बताया। डायमेंशन, हाँ। आकार मतलब डायमेंशन, तो मतलब हाँ। किसी ना किसी एंगल से वो ये बात कर रहे हैं। नहीं, अभी उन वाक्यों का तो अर्थ नहीं हुआ अभी। अच्छा, वो जो मैंने कहते ना, दो वाक्य छोटे छोटे से, कि एक में अनेक आकार रहते हैं और वो जिस आकार का हो उसी आकार की अपेक्षा से प्रमाण है, अन्य आकार की अपेक्षा अप्रमाण है। ये तो अभी बात जरा बाद में करेंगे, ये थोड़ी और कठिन है। पर अभी ये किसको समझ में नहीं आया कि हर ज्ञान सही भी है गलत भी है, हर ज्ञान प्रमाण भी है अप्रमाण भी है। ये जिसको नहीं समझ में आया वो बोलो अब तो पहले। हर मिथ्या ज्ञान प्रमाण है, और सबका प्रयोजन समझो। मिथ्या ज्ञान को प्रमाण सिद्ध करके कोई यूं ही टाइम खराब नहीं कर रहे, वो बड़ी गजब की चीज निकल के आ रही है। और सत्य ज्ञान को अप्रमाण सिद्ध कर रहे हैं, और देखो भाग्य से राकेश जी सुनाएंगे कुछ माल। मसा जी बोलिए। हाँ, सुनाओ भाई साहब, आज कैसे कृपा करी आपने, बताओ। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, आवाज। हाँ, अभी हाँ, आ रही है, अब आ रही है। मैं इसमें सिर्फ इतना जोड़ रहा हूँ। हाँ, हमारे यहाँ सिद्धांत में ये कहा है। हाँ, सम्यक दृष्टि का
सारा का सारा ज्ञान प्रमाण है। बराबर का मतलब ये है कि उसका मिथ्या ज्ञान भी सम्यक है। मिथ्या ज्ञान माने वो दो और दो पांच कहे, या वो कोई काले को पीला कहे, वो पूरब को पश्चिम कहे कदाचित, तो वो भी उसका ज्ञान सम्यक है क्योंकि वो सम्यक तो से सहित है। सही। और मिथ्या दृष्टि का सम्यक ज्ञान भी मिथ्या है। बराबर। सम्यक ज्ञान भी मिथ्या है माने उसने सम्यक तत्व ज्ञान किया हो, छह द्रव्य बता रहा है, सात तत्व बता रहा है, तो क्योंकि उसका अभिप्राय मिथ्या है इसलिए सम्यक दृष्टि का मिथ्या दृष्टि का सम्यक ज्ञान भी मिथ्या। देखो ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये जो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, ये जो शब्दावली है ये दो सापेक्षता में है। एक तो सम्यक दर्शन की सापेक्षता में इसको सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। बराबर। दूसरा, जो न्याय शास्त्रों में कहें अथवा लोक में वस्तु सापेक्ष ज्ञान को सम्यक कहा जाता है कि जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान है वो सम्यक है, और जैसी वस्तु नहीं है वैसा ज्ञान है तो वो मिथ्या है। आप दो और दो पांच कहोगे तो मिथ्या है, आप दो और दो चार कहोगे तो सच्चा है। अब ये सम्यक दृष्टि कह रहा है कि मिथ्या दृष्टि कह रहा है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो है ना, ऐसा हम ये कह सकते हैं कि हर ज्ञान जैसा आप कह रहे हो और आपने अभी पढ़ करके भी सुनाया, ये टीका किसकी है इसमें, ये टीका आपने जो पढ़ी है आचार्य विद्यानंदी अष्ट सहस्री। अच्छा, मूल मूल टीका है, मूल टीका है। हाँ, हाँ, ये अष्ट सहस्री का अंश है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। तो ये जो है ना, मैं इसमें यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने वो उदाहरण, ओरिजिनल संस्कृत उदाहरण दिया, तो मैं ओरिजिनल संस्कृत पढ़ सकता था पर मैंने सोचा सबको नहीं असुविधा होगी इसलिए संस्कृत नहीं पढ़ी। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे विद्वानों ने बहुत अच्छा काम किया है। कोई अनुवाद में अपन नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ गलती की होगी या अपनी तरफ से कुछ मिक्स मिक्स किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये बात को ज्ञान की अपेक्षा से, जो यहाँ चर्चा चल रही है ना सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान की, ज्ञान की अपेक्षा से चल रही है, सम्यक्त्व की अपेक्षा से नहीं चल रही है। ये बात समझ ले तो हमारा सारा समाधान हो जाएगा। लेकिन इसमें अब वही बात जो अभी प्रश्न कर रहे थे देवेंद्र जी, या क्या नाम है उनका, कि केवल ज्ञान पर कैसे घटित होगा, ये मेरे भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। केवल ज्ञान पर कैसे घटित होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ भाई साहब, चाचा आपने सस्पेंस बना रखा है दो दिनों से। दो दिन से सस्पेंस बना रखा है आपने। अरे अभी पहला ही खुल, सबको नहीं जम रहा था, पहले पे ही श्रुत ज्ञान ही नहीं समझ में आ रहा था ना सबको। हाँ, नहीं ये अच्छी बात बताई मौसा जी ने कि हम इसको ज्ञान की अपेक्षा देखें, वस्तु की अपेक्षा ना देखें। हाँ, तो हम थोड़ा हम समझ। और देखो इससे फिर ये बात सिद्ध हो रही ना कि वस्तु स्थिति कितनी जटिल है। हम मिथ्या बोलते हैं तो लगता है कि हमने पूरी सही बात नहीं बोली, हम सम्यक बोलते हैं तो लगता है हमने पूरी सही बात नहीं बोली, हमको हर जगह कमजोर कमजोर लगती है ना बात, जैसी स्थिति है वैसी हम कह नहीं पाए ऐसा लगता है ना बार बार, बस यही स्यादवाद की जरूरत है। और वैसे भी कोई भी वस्तु जब मतलब जैसी हमारे ज्ञान में आ रही है वैसी वो वास्तव में है या नहीं, वो तो हम तब पता लगेगा जब हमें पता चलेगा कि वो कैसी है। हमारा ज्ञान कैसा है, उसकी कैपेबिलिटी कैसी है, उसका क्षयोपशम कैसा है, मतलब ज्ञान पे भी तो डिपेंड करता है कि उसको कितना समझ में आ रहा है। और कोई बताएं, जगदीश अंकल जी आप भी जुड़े हैं, आप भी कुछ कह सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, जगदीश जी को सुनो, बहुत गहरे पाठक। वैभव जी हाथ उठा रहे। हाँ हाँ हाँ, जय श्री पंडित जी साहब। हाँ हाँ हाँ, सुनाओ वैभव जी। जैसे अपने यहाँ लौकिक में भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं ना, जो जो मैनेजमेंट वाले जो एक उदाहरण बोलते हैं, यू नो ओनली अबाउट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हाँ, तो कोई भी वस्तु की पूरी पहचान तो इंसान को होनी, अपने ज्ञान से हो नहीं सकती। जैसे आपने बताया जैसा कलर है वैसा वास्तविकता में वैसा कलर दिखता नहीं है। हाँ, जहाँ जितना बड़ा है उतना बड़ा दिख नहीं रहा है। हाँ, और कुछ लौकिक में भी ऐसी चीज बोली जाती है कि आपको किसी भी चीज किसी भी व्यक्ति का
हाँ किसी भी व्यक्ति का आपको परिचय होता है, उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पर उस व्यक्ति की हाँ पहचान तभी हो पाएगी जब आप उसके साथ में निकटता रख के थोड़ा सा उसके साथ में काम करो तो उसकी पहचान हो। किसी हाँ व्यक्ति को मंदिर में देखते हुए जब वो पूजा करता है तो उसको देखते हुए अपन पुजारी बोल देते हैं कि बहुत बड़ा धर्मात्मा आदमी है, तो उसकी हाँ वो पहचान हो, उस धर्मात्मा रूप में अपने को पहचान हो गई है। बाद में कभी आपको पता लगे कि उसके चप्पल जूते की दुकान है, चमड़े हाँ की चप्पल बेच रहा है वो, हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ कितने अंश में प्रमाण है तो उसको सर्वथा धर्मात्मा नहीं बोला जा सकता। तो जितने अंश में हाँ वो धर्मात्मा उतने अंश में ही धर्मात्मा है, सर्वथा धर्मात्मा नहीं हो सकता वो कोई भी चीज। हाँ तो ये सब चीजें जैसे आपने बताई बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है कि कोई भी वस्तु को पूरी तरह से जानना शुद्ध और हाँ मति ज्ञान का तो बात हो नहीं सकती है। केवल ज्ञान में भी जैसे प्रमाण घटित किया कि मतलब वो प्रमेय की अपेक्षा से अप्रमाण है और वो प्रमाण की अपेक्षा से प्रमाण है, तो वहां पे हाँ कथन वहां पे वो सिद्ध हो गया। तो ये सब हाँ चीजें तो क्लियर हो गई, पर थोड़ा सा भी इसके आगम की उसमें थोड़ा सा मतलब समझना है कि आगम में कैसे प्रमाण और अप्रमाण हो सकता है, कैसे उसको कहा घटित। ने कहा ने आगम में प्रकर्षता की अपेक्षा कहा है, जैसे कस्तूरी को गंध द्रव्य उसकी गंध गुण में प्रकर्ष है वो उसमें, इसलिए उसको गंधवती वस्तु बोलते हैं। नींबू में रस बलवान है तो रस की प्रकर्षता है इसलिए उसको खट्टा बोलते हैं। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जिस ज्ञान में अविसंवादकता का प्रकर्ष होगा वो ज्ञान प्रमाण है, और जिसमें विसंवाद प्रकर्ष होगा वो ज्ञान अप्रमाण है। ऐसे प्रमाण अप्रमाण की व्यवस्था बनेगी। नहीं प्रकर्ष मतलब माने मोक्ष। जैसे केवल ज्ञान को तो अपन प्रमेय बता दें, पर जैसे हाँ महावीर भगवान की जो दिव्य ध्वनि है नहीं लेकिन देखो इसमें नहीं बता रखा ये। देखो वैसे मेरे से आप ऐसे कहते हैं ना सीधा कि केवल ज्ञान को भी प्रमाण और अप्रमाण सिद्ध करो, तो हम कर देते। हजारों विवक्षाएं हैं जैसे कि अपन करते आए, नाम स्थापना द्रव्य की नए गम की संग्रह की व्यवहार जाने कितनी कितनी शब्द ने अर्थ ने चित्र ने क्या 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 वो तो सब कर देते। लेकिन यहाँ तो मुसीबत ये आ रही है कि वो कह रहे नहीं वो ज्ञान ही प्रमाण अप्रमाण है। अच्छा। ऐसे ऐसे तो अपन करने में सब कहीं पर भी किसी को भी लगा लेते अपन, लेकिन यहां उन्होंने सारी विवक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। अभी फिलहाल हमसे कहा कि तुम वही नजर रखो, तुम उस ज्ञान को उस प्रमाण को प्रमाण की दृष्टि से ही वही की वही चेक करो, तो आपको दोनों बातें दिखाई देगी। जो द्विचंद्र ज्ञान है जिसे गलत कहा जाता है मिथ्या ज्ञान कहा जाता है वो भी कथनचित सही है, क्योंकि चंद्रांश सही देखा दिखाई दे रहा है उसमें, बरोबर चंद्रमा है तो चंद्रमा देख रहा है वो, सूरज नहीं देख रहा उसको, इस अपेक्षा वो सही है। उसका केवल द्वित्व अंश गलत है। तो ये जो दिव्य जैसे अपन समोषण में कभी जाता है जो जीव, तो हाँ समोषण में जो जीव जाता है तो वो साक्षात दिव्य ध्वनि वहां पे सुन रहा है, हाँ तो साक्षात दिव्य ध्वनि सुनने के बावजूद भी उसके कुछ ज्ञान में कुछ प्रमाण और कुछ अप्रमाण आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है हाँ कि। देखो मैं आपको अष्ट सहस्री का मूल हिस्सा पढ़ के बता देता हूं, तसल्ली हो जाए किसी को कि अपनी बात यहाँ ओरिजिनल देखो ओरिजिनल में लिखी है और अपन सबको इसे समझना है ये क्या कह रहे हैं। ननु च तत्व ज्ञानस्य सर्वथा प्रमाणत्व सिद्धे अनेकांत विरोधः। तत्व ज्ञान ही प्रमाण है ऐसा कहोगे तो अनेकांत सिद्धांत का विरोध हो जाएगा। इतने दिन से अनेकांत पढ़ा रहे हो उसका खंडन हो जाएगा। तो बोले इति ना मंतव्यम, ऐसा नहीं मानना चाहिए। बुद्धेर अनेकांतात, के ये यहां भी अनेकांत है बुद्धि की अपेक्षा ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान की अपेक्षा। येन आकारेण तत्व परिच्छेदस तदपेक्षया प्रामाण्यम इति निरूपणात् तेन प्रत्यक्ष
तदाभासियोरपि प्रायस संकीर्ण प्रामाण्यतर स्थिति। हर ज्ञान में प्रामाण्य और अप्रामाण्य की संकीर्ण स्थिति है। और उन्होंने उदाहरण दिया साफ साफ के सदोष चक्षु से देखे गए ज्ञान में भी कथनचित प्रमाणता होती है और निर्दोष चक्षु से देखे हुए ज्ञान में भी कथनचित अप्रमाणता होती है। बोले और उदाहरण दिया के जैसे सदोष चक्षु से हमने दो चंद्र देख लिए तो वहां पर भी चंद्रांश में वो प्रमाण है, द्वितांश में अप्रमाण है। और निर्दोष चक्षु से हमने चंद्र सूर्यादि में देश प्रत्यासत्ति की जैसी निकटता थी वैसी नहीं देखी, इस अंश में वो अप्रमाण है और जो चंद्र सूर्यादि देखा वो उस अंश में प्रमाण है। ऐसे साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। हाँ दिनेश जी क्या कह रहे थे? हाँ जय दिन डॉक्टर साहब। हाँ बताइए बताइए। मेरे को तो अभी डॉक्टर राकेश जी ने एक शब्द बोला तो थोड़ा सा लगा, जैसे उन्होंने कहा ना ज्ञान अपेक्षा है, वस्तु अपेक्षा नहीं है केवल ज्ञान भी। हाँ तो जैसे केवल ज्ञान में अनादि अनंत मतलब काल अपेक्षा सबका ज्ञान तो है, किंतु हाँ। उस काल को उन्होंने स्पर्श तो नहीं किया। हाँ उस काल में तो नहीं पहुंचे केवल ज्ञानी। और ऐसी अनंत लोकाकाश को जानते हैं, सब पदार्थों को जानते हैं, वो परिणमन उनका पदार्थों में नहीं, उसको केवल ज्ञान को पहुंचने की जरूरत नहीं है, जानने के लिए जानना जरूरी नहीं है। हाँ नहीं है जरूरी, उनको सारा स्वयं झलक रहा है तीन काल तीन लोक, लेकिन मेरा मतलब वस्तु को तो स्पर्श नहीं किया ना, उस काल में तो नहीं पहुंचे, उस आकाश में नहीं पहुंचे, मतलब उससे भिन्न ज्ञान का परिणमन ज्ञान में है और वस्तुओं का परिणमन वस्तुओं में है। तो मैं ये थोड़ा सा लगा रहा था कि केवल ज्ञान जो है ज्ञान एंगल से ही है सिर्फ, बाकी वस्तु का उससे कोई किसी प्रकार का भी श्रुत ज्ञान जम गया सबके। हाँ मतलब आप चाचा जब से आप श्रुत ज्ञान समझा रहे हैं और हम केवल ज्ञान में लगाए जा रहे हैं। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये मुसीबत हो रही है, मैं अभी श्रुत ज्ञान नहीं समझ में आया ये कहना चाह रहा हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ ना वहां जाकर के फिर लौट के आऊं, एक अवधि ज्ञान मने पर ये ज्ञान समझ में आ गए बताइए। श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मने पर ये ज्ञान, पहले हमको ये तो समझ में आ जाए, अब केवल ज्ञान में कैसे है वो घटाएंगे। अभी तसल्ली रखो थोड़ी और। हाँ अभी हम श्रुत ज्ञान की बात कर रहे हैं, पहले अवधि और मन पर के भी हम सोच लें। सारा श्रुत ज्ञान प्रमाण भी है अप्रमाण भी है। और ऐसे ही नहीं, नाम स्थापनादि की अपेक्षा नहीं, वो ज्ञान पर्याय की अपेक्षा, उसमें पूर्ण सत्यता नहीं आती है और पूर्ण असत्यता नहीं आती है। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में भी किंचित सत्यता कथनचित सत्यता है और सम्यक दृष्टि के ज्ञान में भी कथनचित असत्यता है। और वो एक विवक्षा तो अद्भुत है ही, जो अभी भाई साहब राकेश जी ने बताई, पंडिते च गुणा सर्वे मूर्खे दोषाई केवलम। पंडित है तो उसमें उसकी सारी आदत गुण ही गुण है और मूर्ख है तो उसके सब कुछ दोष ही दोष है। एक तरफ तो कहते सब जगह छान छान के ले हो गुण दोष, एक तरफ कहते कुछ नहीं, अज्ञानी के पास दोष ही दोष है, गुण कोई है ही नहीं, बेकार बात मत करो, और ज्ञानी के पास में गुण ही गुण है, दोष कुछ है ही नहीं, फालतू की बात मत करो, वो जो कर रहा है सब सही सही है, अच्छा ही अच्छा, गुण ही गुण है उसमें। कैसी कैसी विवक्षाएं हैं। एक तरफ तो कहते हर एक में गुण दोष है परीक्षा करो, एक तरफ कह रहे कि नहीं मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान मिथ्या है, हम कुछ नहीं जानते, जीरो उठा के दे दो जीरो, मुंह देख के तिलक कर दो, किसने परीक्षा दी है, उसने दी है तो जीरो दे दो, उसने दी है तो गोल्ड मेडल दे दो, सम्यक दृष्टि का कह दिया सारा। और यहाँ ये बात कही जा रही है, तो ये सब श्रुत ज्ञान में हमको स्मृति में प्रत्यभिज्ञान में
तर्क में आपने अनुमान से जिस धुआं को जाना है वो भी सत्य असत्य है, कथनचित प्रमाण कथनचित अप्रमाण है, जिस पर्वत को जाना है स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम सब कथन सच्चे वाले भी प्रमाण भी कथनचित प्रमाणाभास है, प्रमाणाभास भी कथनचित प्रमाण है। अब ये बातें तो थोड़ी सी अद्भुत ही है, लेकिन मुझे लगता है यार रेयर ही चर्चा हो रही है ये, एकदम रेयर ही है चाचा ये, मतलब कि सम्यक ज्ञानी का ज्ञान भी अप्रमाण है और मिथ्या ज्ञानी का ज्ञान भी प्रमाण है, ये बात हमको समझने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। हाँ इसीलिए तो अब हम भी लगा रहे हैं, तसल्ली से लगा रहे, कोई बात नहीं है। अब सब लोग थोड़ा थोड़ा टीका भी देख लेना, और ये देखो ये सब स्क्रीन है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, जल्दबाजी नहीं, लेकिन इसकी टीका पढ़ो और इसमें से निकालो। अब इसमें से निकालना है आपको केवल ज्ञान मैंने केवल ज्ञान में भी कैसे अप्रमाणता है ये मैंने पढ़ दिया है, निकालना है। अब आपको निकालना है, मैंने पढ़ दिया है, आपको बता तो दिया है, और कोई होगा तो समझ भी गया होगा, मैंने बता दिया है केवल ज्ञान भी कैसे, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने पढ़ भी दिया है, बस यही मैं देख रहा हूं, थोड़े अपनी तो लीला है ये, स्यादवाद लीला, रामलीला चल रही है ये, तो थोड़े आनंद करते जाओ, आज का समय हो गया। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सुपावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो।